झारखंड राज्य पहाड़ जंगल झरना से घिरा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य एवं घनघोर जंगलों की वादियों से घिरा ऐसा कोई जगह है जो सौंदर्यता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा ही एक जल प्रपात है दाराकोचा स्थित सोना झरना, जो सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हेसाकोचा पंचायत के दाराकोचा गाँव में स्थित है। बरसात के समय दाराकोचा जलप्रपात अद्भुत दृश्य देखने को मिलती है। यहाँ 1000 फीट ऊंचाइयों से पानी गिरती है, जिसके कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जलप्रपात तक जाने के लिए पक्की सड़क का ना होना व सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के पहुंच से दूर और गुमनाम है। यह सोना झरना जलप्रपात रांची टाटा मुख्य सड़क से चौलीबासा पालना मार्ग से करीब 10-12 किलोमीटर व उत्क्रमित उच्च विद्यालय हेसाकोचा से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हेसाकोचा से सोना झरना जलप्रपात तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। यही कारण है कि दोपहिया वाहन भी 2 किलोमीटर दूरी पर रखकर पैदल जाना पड़ता है। सोना झरना जलप्रपात का पानी 100 फीट ऊंचाइयों से गिरने का दृश्य सैलानियों को आनंदित करती है। साथ ही सोना झरना जलप्रपात चारों और पहाड़ों से घिरा होने के कारण विभिन्न पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से सैलानियों का मन मोह लेती है। सोना झरना का पानी बहकर पालना डैम जलाशय में पहुंचता है, जिसके पानी से पालना मुसरी बेड़ा खूटी चौलीबासा दिरलोंग जाता के दर्जनों गांव के किसान सैकड़ों एकड़ जमीन में सालों भर खेती करते हैं। सरकार ध्यान दे तो बन सकता है पर्यटन स्थल एवं स्थानीय को मिल सकता है स्वरोजगार। हालांकि वर्तमान समय में यहां के लोगों का रोजगार का कोई साधन नहीं होने के कारण अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गरीब आदिवासी ग्रामीण जंगल की सूखी लकड़ी साल पत्ता कंद मूल बेचकर ही अपना आजीविका चलाते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को विकास से कोसों दूर है। सरकार अगर इस जलप्रपात को संज्ञान में लेकर सोना झरना जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करती है तो जलप्रपात को देखने के लिए सैलानियों की संख्या बढ़ेगी एवं स्थानीय आदिवासी को स्वरोजगार के लिए अवसर प्राप्त होगी। आज मैं रायकेला जिला के हेसाकोचा पंचायत के सोना झरना में पहुंची हूं। कुछ दिन पहले इस क्षेत्र का इस झरना का नाम आया, तो इससे पहले इस झरना का नाम गुमनाम था। तो आज मैं इसका मुआयना करने के लिए आया हूं। वास्तविक में ये झरना 100 फीट ऊंचा से आप देख रहे हैं पानी गिर रही है, जो पहाड़ों के चारों ओर से पानी बन के आती है और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे अगर सरकार इस पर ध्यान देती है। इस पर रोड रास्ता अगर बनाते हैं तो काफ़ी लोग यहाँ दूर दराज से बिहार बंगाल उड़ीसा असम से पर्यटक आएंगे और इस क्षेत्र के लिए खासकर इस क्षेत्र के लिए जो बेरोजगार हैं यहाँ रोजगार प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हिंदू और दशम फल जैसे नामी जलप्रपात तो कम नहीं है, ये सोना झरना। तो मैं चाहूँगा इस तरह का झरना इस क्षेत्र में गुमनाम था, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो निश्चित तौर पर ये मैंने पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। स्वदेश वाणी के लिए धनुषण टूडू चांदी। मधुकम बेड़ा बित्री टोला में पड़ता है, ये पहले से ही यहाँ पर अवस्थित है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है। और ये जो झरना है बहुत बाहर में प्रसिद्ध नहीं है लेकिन अंदर से है। लेकिन पहले यहाँ क्या था, झरना के पास से माटी लेकर के धोता था और उसे सोना निकलता था, इसीलिए इसको सोना झरना नाम दिया गया है। यहाँ जो है बरसात में 100 फुट से पानी गिरता है लेकिन गर्मी के दिन में सूख जाता है। और यहाँ कुछ दिन से लोग काफ़ी आना जाना शुरू कर दिया है और देखने के लिए पूरा आकर्षित हो रहे हैं, काहे कि यहाँ का बनावटें कुछ आकर्षक टाइप का है। तो इसलिए अगर जब सरकार इधर रास्ता बनाएगा, काहे कि आने जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं है और वहाँ भी चढ़ने के लिए जगह ठीक नहीं है, अगर सरकार की तरफ से मिल जाएगा सुविधा अच्छा से बना दिया जाएगा तो देखने के लिए काफ़ी आएंगे और यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित पर्यटन पर्यटक के रूप में विस्तृत मैंने प्रसिद्ध हो जाएगा और यहाँ के जो युवा लोग है वो लोग का भी कुछ रोजगार मिल जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा रसू मुंडा। हेसाकोचा गाँव के अंतर्गत
एक झरना है, वो पहले से ही स्थित है, लेकिन ये पहले से उतना विकसित नहीं है, इसीलिए लोग आना जाना नहीं कर रहा था। अब अभी धीरे धीरे यहाँ झरना ठुको बहुत दूर से देखने को मिलता है, इसीलिए लोग कि धीरे धीरे यहाँ आने लगा कि उस झरना न क्या है देखने को आने लगा। तो आके यहाँ लोग देखता है कि वह क्या हुंडरू जलप्रपात जैसा यहाँ है, तो यहाँ हुंडरू जलप्रपात से कम नहीं है। तो यहाँ आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, लोग पहले नहीं जानता था, तो अभी धीरे धीरे लोग जान गया और अभी धीरे धीरे आने लगता है लोग। तो मेरा कहना है कि यहाँ जो लोग झरना को देखने के लिए आते हैं पर्यटक लोग, तो रास्ता यहाँ आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। रास्ता अगर यहाँ तक आने के लिए अगर बना दिया जाए तो लोगों को आने जाने का सुविधा होगा और यहाँ का ग्रामीणों का भी कुछ रोजगार यहाँ से प्राप्त होगा। और ये पहले इस झरना में सोना पहले धोता था, तो इसीलिए इस झरना का नाम सोना झरना अभी सोना झरना के नाम से अभी जाना जाता है। तो इसमें अगर सरकार कुछ ध्यान देगा, रास्ता आने जाने के लिए सुविधा कर देगा, तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ के ग्रामीण के लिए रोजगार भी प्राप्त होगा और लोगों के लिए आने जाने का भी सुविधा होगा। मेरा नाम कुणाराम माझी, ग्राम पंचायत हिस्साकोचा का मुखिया जी। चांडल से स्वदेशवाणी के लिए फनी भूषण ट्रुडू की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।